एक कथा आती है स्कंद पुराण के काशी खंड की, बड़ी सुंदर एक कथा आती है इसी काशी भूमि की। एक बनिया था काशी की पवित्र धरा में, काशीपुरी की यह कथा है, बड़ी सुंदर कथा। एक बनिया जिसका नाम था रांतिदेव, काशीपुरी में उसका निवास था, उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था। अब बनिया शब्द जहां पर आ जाता है, वैश्य शब्द जहां पर आ जाता है, वहां लोगों की दृष्टि में आ जाता है कि इसके पास करोड़ों का धन होगा। जहां बनिया शब्द आ गया, जहां वैश्य शब्द आ गया, वहां लोगों की दृष्टि में आ गया कि इसके पास में पैसा होगा, इसके पास में धन होगा, इसके पास में बहुत सारा वैभव होगा। पर कोई जरूरी नहीं कि किसी के पास करोड़ों का धन है, करोड़ों की जायदाद है, या करोड़ों की संपदा है, या वैभव बहुत है। रांतिदेव बनिया वैश्य काशीपुरी में निवास करता था, रोज गंगा जी का स्नान करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में निवास करता, उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। काशीपुरी का निवासी था, कुछ नहीं है उसके पास। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे पास में कुछ नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसके पास में शंकर रूपी भक्ति है, जिसके पास में भगवान शिव के विश्वास है, जिसके हृदय में शंकर समाया हुआ है, समझ लेना कि तुम्हारे पास में दौलत की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में समाये, तुम्हारे साथ में। कभी विचार करिए, रांतिदेव बनिया विचार करे सो तो उसके पास में कुछ भी नहीं है, धन दौलत संपदा कुछ नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे की चमक कम नहीं हुई है। वो रांतिदेव बनिया अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ गंगा जी का स्नान करता है, महादेव जी को जल चढ़ाता है और बाबा को एक बेलपत्र समर्पित करता है। भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में रांतिदेव बनिए की कथा क्यों लिखी? और संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को यह स्मरण होना चाहिए, संपूर्ण काशी क्षेत्रवासियों को। और काशी क्षेत्र तो क्षेत्र, दुनिया के लोग कहते हैं कि काशी वो उत्तर प्रदेश में है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी गंगा जी के तट पर है, दुनिया के लोग कहते हैं काशी उत्तर प्रदेश में है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो अपने घर में बैठकर भी भगवान शंकर को याद करता है उसका दिल और उसका घर काशी हो जाता है। उसका दिल और उसका घर काशी हो गया। आप अपने घर में बैठकर काशी का स्मरण कर लीजिए, आप अपने घर में बैठकर विश्वनाथ जी का स्मरण कर लीजिए। मेरे शंकर भगवान 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवदिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को नंदी पर बिठाकर प्रतिदिन घूमने के लिए जाते हैं। तो केवल मेरे बाबा केवल काशी में नहीं घूमते हैं, वो कैलाश से चलता है, काशी से चलता है। और जो अपने घर में बैठ कर भी मेरे विश्वनाथ को याद कर लेता है, मेरा विश्वनाथ मन पूना को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। बस
स्कंद पुराण कहती है रांतिदेव बनिया के पास में कुछ नहीं था, परंतु शंकर का विश्वास प्रबल था। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे माताएं बैठी हैं, भाई बैठे हैं, बंधु बैठे हुए हैं, और जो आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, काशी की पवित्र धना से आपके घर की टीवियां चल रही हैं, काशी की पवित्र धना से आपका मोबाइल, फेसबुक यूट्यूब पर भी अगर आप कथा सुन रहे हो, जितने भारत की भूमि के देश और विदेश में बैठकर इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, आपके घर की टीवी की वॉल्यूम आप तेज कर श्रवण करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं गंगा जी के घाट पर बैठकर कथा सुन रही हूं, मेरे घर पर नहीं, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने, मेरा विश्वनाथ मेरे सामने है, मैं गंगा के घाट पर बैठकर कथा को श्रवण कर रही हूं, मेरे विश्वनाथ के सम्मुख में बैठी हूं, गंगा के सारे घाटों के सम्मुख में बैठकर मैं गंगा की गोद में सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में, साधु सन्यासी तपस्वियों के सानिध्य में और इतने लाखों शिव भक्तों के सानिध्य में कथा श्रवण कर रही हूं। विश्वास और दिल से सुनो, दिल से सुनना और बाबा से दिल से प्रार्थना करना, जो तुमने मांगा है मेरा शंकर। फिर निवेदन है, देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। मेरे महादेव का काम है भाग्य को पलट देना। देवता देते हैं पल्ला झाड़कर, मेरा महादेव देता है छप्पर झाड़कर। ये देवता का काम है, वो दे रहा है अपनी जगह, अपने भाव से प्रदान कर रहा है। आप जितने विश्वास के साथ, जितने भरोसे के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करोगे, उतना शिव देगा। रांतिदेव की कथा कर रही है एक बनिया जिसका नाम रांतिदेव है, जो स्वयं अपनी धर्मपत्नी और अपने पुत्र के साथ में काशी नगरी में निवास करता है, माँ गंगा जी का स्नान करता है, गंगा का स्नान कर एक बेलपत्र महादेव को समर्पित करता है, भगवान शंकर को समर्पित करता है, बड़ी भक्ति में लगा। बड़ी भक्ति, घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ भी। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे शिव भक्त, भगवान शंकर के विरल भक्त। हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया, महाराज जी उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में बहुत, जब कथा विराम की ओर आ गई, सातवां दिन था, तब सातवें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ आखिरी।
उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेती। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था, कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा, वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में, मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ, पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है, आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है थोड़ा भोजन दे दीजिए, थोड़ा भोजन उसने अपने पति को बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा प्रेम से भोग लगा रहे, केवल तीन गासे उसके उसने बाबा को दिए होंगे और इतनी देर में कोई फोर व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी, उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लें, आप पा लें। विश्वास, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है, शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मान। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है, अरे भाई शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुराकर पी लेते हैं, वो देव अधिदेव महादेव कहलाते, विष मिलने पर भी मुस्कुराकर पी रहे हैं, यहां तो एक इंच यही यही अगर एक इंच जमीन कोई ईंटा अगर एक इंच उधर खसका ले तो भाई सग्गा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, ये क्या है तुमने जमीन इधर खसका ली, ये क्या है चलो उधर खसको, ये हमारी जमीन है ये हमारी जगह है, एक इंच इधर आ गई दो इंच इधर आ गई, जमीन एक इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं रिश्तेदार, अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं मारने को तैयार हो जाते हैं, पर मेरे महादेव को देखिए 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगनी माता पार्वती जी ने कहा ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए, विष। शंकर भगवान ने कहा तू क्या चाहती है, पार्वती जी कहती हैं जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए, शंकर भगवान कहते हैं नहीं पार्वती ये विष मुझे मिल रहा है पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा, मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी।
ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है, एक इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, एक इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, जाओ उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, एक इंच ले ली ना जाने दो, सास की रकम ले ली ना जाने दो, थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जादी ले ली ना जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती हूँ, एक इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास से लोटा भर कर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। एक इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए, एक इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। एक लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि एक इंच जगह गई है ना, वो एक इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चली गई, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रामतीदेव बनिया का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रामतीदेव के घर में, उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रामतीदेव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांती देव का चरित्र कहता है कि रांती देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांती देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांती देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांती देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, आप बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाता है। क्यों, किस लिए? आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो, किस लिए पूछते हो, काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा, इसीलिए पूछते हो ना। रांती देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है, रांती देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांती देव बनिए के पास, रांती देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है, क्यों, किस लिए? जो महापुराण की कथा कहती है, रांती देव बनिए ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो,
क्यों? रानती देव बनिया कहता है ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रानती देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे। जल चढ़ाता ना देखे क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हो, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज छुप कर रानती देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है, रोज रोज केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। हे रानती देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे। मैंने अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ है, मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई, एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है, जम के बोलो जरा, घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा, अपने संतान के। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा है। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है, देना जानता, केवल देना, उसने लेना सीखा ही नहीं।
केवल किया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वह लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। हृदय से जिसने प्रेम किया है शिव ने उसको स्वीकार किया है। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं, क्या है आपके पास में क्या नहीं है आपके पास में, ये मेरे शंकर को मतलब। अब दिल से रांती देव बनिया भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तब जाता था जब कोई ना देखे, क्योंकि जाएगा और उसके पास में कुछ नहीं है। अगर लोग कहेंगे कि तुम दूध नहीं चढ़ाते, दही नहीं चढ़ाते, तुम सामग्री नहीं चढ़ाते, तो बड़ा अब करे तो करेगा, अब क्या करेगा। फिर भी नगर के लोग, गांव के लोग एकत्रित हो गए, और एकत्रित होकर उन्होंने, नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि भिक्षुक हो, भिखारी हो, कभी तो देवदीदेव महादेव को दूध चढ़ा दिया करो, कभी तो देवदीदेव महादेव को दही चढ़ा दिया करो, कभी तो देवदीदेव महादेव को कोई सामग्री चढ़ा दिया करो। बड़े लज्जित सा, बड़ा लज्जित सा महसूस किया रानती देव बनी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि भगवान के मंदिर में कोई भक्त पूरी थाली लगाकर पूजन करने आया, भगवान के मंदिर में कोई भक्त ढेर सारी सामग्री लेकर पूजन करने आया, तुम अपने भीतर लज्जितता उत्पन्न मत करो कि मेरे पास चढ़ाने को ये नहीं है। आप तो अपने पास जो एक लोटा जल है वो भी ये समझकर चढ़ाओ कि मेरा बाबा उसको स्वीकार कर रहा है और मेरा बाबा उसको स्वीकार करेगा। आप तो भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाओ तो ये भाव से लेकर जाओ कि मेरा शंकर इसको स्वीकार करेगा, मेरा शंकर उसको लेगा। और क्यों ना ले, जिस दिन आपने दिल से दिया। अंतिदेव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं, दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसे, ताना कसते हैं, कसे, पर आज रानी देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा, पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या, क्या कर सकता हूँ। तब रानी देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर, एक चुटकी आटा। ये काशीपुरी की कथा है, काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले क्रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवदीदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता। रानती देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रानती देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए, बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, बेलपत्र नहीं, बेलपत्र मिलना बंद हो गई। बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना,
पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बिलपत्र, आज बाबा ने मेरा बिलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांग कर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा, मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता, मामा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, मामा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, मामा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा, इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए, ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, इसलिए बाबा भर कर रखना, बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो, दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे कैसे दूं, भरोसा। बाबा जी यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं काशी वाले, ये चतुर्वेदी जी जब भी इसी ओर आते हैं तो हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आप विश्वनाथ बाबा की दरा से आए हो तो रुद्राज की माला ले आया करो, थोड़ा सा बाबा का चंदन ले आया करो और बाबा का थोड़ा सा माला लेकर पुष्प किया जाया करो, एक बेलपत्र ले आया करो, हम इनसे हमेशा कहते हो, जब यहाँ से चलते हैं तो मंदिर में बोल कर कि भैया हमारे गुरु जी के लिए तुम एक बेलपत्र दे दीजिए और एक माला दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन दे दीजिए, बस में लेकर बाबा की सीओर आ जाते, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनको, बहुत बहुत साधुवाद। जो है वो बाबा को दीजिए, बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के सारे देवताओं को भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को मेरे कुबेर भंडारी को मेरे बाबा को दे दीजिए, अपना दिल दे दो अपना। अरे दिल देकर तो देखो कितना फायदा है, लाभ देखिए। एक मनुष्य मनुष्य को दिल देता है, एक छोरी ने छोरे को दिल दे दिया, आज तक मोबाइल में बैलेंस वही डलवा रहा है, दिल देने का फायदा देखिए। बाबा जी हमारे सीहोर बहुत बहुत भोला शहर है, सीहोर नगरी मध्य प्रदेश के मध्य में, हम सीहोर में रहते हैं बिल्कुल मध्य में, बड़ा भोला लोग,
मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो बड़े बोले रहते हैं, तो बड़े भाव से एक एक छोरे ने एक छोरी से कह दिया, तू मेरे दिल में रहती है। छोरी बोली, नहीं मैं नमक चौरासी और में रहती हूँ। इतने सरल साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। मेरे बाबा बैलेंस बढ़ा रहे थे। और दुनिया के लोग कहे श्वास का बैलेंस, हम कहते शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, तिजोरी का भी बैलेंस बढ़ा देता। चढ़ाओ तो उसे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। काशी में देव दीपावली होती है, काशी में देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए, विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तब तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दिए तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दिए। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस, सब किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया। तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतले थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। वो तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ाता, वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है। ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना, बाबा को भले एक बूंद दूध मिले पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए। थैली का डब्बे का नहीं, गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का,
गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है, उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे, चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए, एक बूंद चढ़ाओ। ईरानी देव बनिए की कथा करी, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना। कितना कितना कृपालु है, यही यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबेरे एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती विश्वनाथ जी की, आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे, वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का, जम के बोलो जरा, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं, विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है, और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता, विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है। पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है, मेरे बाबा के दरवाजे पर, विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है, किसी के पास कुछ नहीं। विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के, विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप है, जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहाँ चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी। शिव तत्व है, अब नहीं जाऊंगा, मैं आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रानती देव बनिया ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा, पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है, अब बेलपत्र कहां से आएगी। बेटे को बेलपत्र दिए नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहाँ से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं, क्या करा जाए। तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है। शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, गणेश जल दिया, गणेश जी बोले जी पिताजी एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा, छोटे बच्चे का रूप, हाँ जाओ रख कर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं, क्यों नहीं। शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए, कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए। अच्छा बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा, जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं, पापा पापा बोले क्या है,
इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं है। अब पापा बोले, क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का ऐसे एल्बम में तू कहां से। तब गणेश जी बोले, तुम बच्चे कब से बन गए। बाबा ओ घड़दानी भोलेनाथ जी बोले, अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर सब साथ में चले, और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी, और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले, ये बताओ कि छोटे कब बने, तुम बच्चे कब बने, ये बताओ ना, तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बन कर गए माता पार्वती के दरवाजे पे, हाँ फिर क्या हुआ। भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले, अरे गणेश, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज्य की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज्य से बोली, मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूं, बुढ़ा है रहोगी, मैं जानती हूं ये बूढ़ है। हिमालय राज ने मेनावती से कहा, मेनावती समझो ये शिव है, बूढ़े नहीं। मेनावती कहती है, मेरे मालूम है इनकी उम्र कितनी है, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, ठीक है। शंकर भगवान तक खबर पहुंच गई कि मेनावती कह रही है कि शंकर जी को जानती है। भगवान शंकर ने डमरू का नाद कर डमरू बजाते ही ब्रह्मा विष्णु महेश से कह दिया, आज तक तुम नहीं जान पाए मुझको, और मेनावती मेरी सासू कह रही है कि मैं शंकर जी को जानती हूं। कई कई सास ऐसी होती हैं जो जमाई को अच्छे से जानती है, कई कई सास ऐसी होती है। एक जमाई अपने घर आया ससुराल में, और सास ने उसको खूब रबड़ी खीर श्रीखंड खूब खिलाया, खूब अब रबड़ी श्रीखंड खीर खूब खिलाई, दूध भी खूब खिलाया, खूब मलाई खूब जोरदार बना बना के खिलाई। अब जमाई जाने लगा तो सास रोकने लगी, नहीं साहब, जमाई साहब इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी मैं आपको, आपको रुकना पड़ेगा। आज जमाई के कानों में जैसे ही शब्द गया तो जमाई खुश हो गया, इतने सालों में सास पहली बार इतनी मिन्नत करके मुझे रोक रही है, सास इतनी मिन्नत करके पहली बार रोक रही। तो जमाई ने पूछ लिया सासू जी से, माँ सासू जी मम्मी आजकल क्या बात है, तुम मेरा बहुत आदर कर रही हो, मुझे रोकने के लिए बहुत प्रार्थना कर रही हो, क्यों। इतने में सास बोली, देखो दामाद जी, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी रबड़ी खाने को मिल जाती, दूध पीने को मिल जाता, मलाई खाने को मिल जाता, मैं तो तुम्हें रोक रही हूँ, तुम रुक जाओ बस, मुझे तुम्हारे चक्कर में ये सब खाने पीने को, तुम माँ मेरे चक्कर में क्यों। इतने में सास ने कहा, देखो हमारी जो भैंस है ना, उस भैंस का जो पाड़ा है ना, जो बच्चा हुआ था ना, वो मर गया, जब से तुम आए हो तुम्हें देख कर भैंस दूध अच्छा दे रही। अब जमाई को लगा कि मैं काला हूं इसलिए भैंस मुझे पाड़ा समझ जाती, मुझे पाड़ा समझ जाती, मुझे दूध अच्छा मिल रहा है। उसको समझ में आ गया, चल दिया उठकर, जो है वो शिव को दी थी, जो तुम्हारे पास में है वो शंकर को समर्पित। तो यहाँ भगवान शंकर करें, तुम्हारी नानी ने मुझसे कहा कि मैं शंकर को जानती हूँ, उनको जानने के लिए कि कितना पहचानती तुम शिव को। भगवान गणेश जी से शंकर भगवान ने कहा, उसी समय पर मैंने बच्चे का रूप धारण करा, पार्वती जी माला लेकर खड़ी थी, उनकी गोदी में जाकर बैठ गए, भगवान स्वयं शिव स्वयं। महाराज जी ब्रह्मा पुराण के 33, 34, 35, 36 नंबर के पृष्ठ पर चरित्र बड़ा सुंदर लिखा, बहुत सुंदर।
भगवान शिव बच्चे का रूप धारण कर कर पार्वती जी की गोद में पहुंच गए। पार्वती जी पहचान गए ये मेरे स्वामी है, पर नहीं इंद्र नहीं पहचाने ये बच्चा कौन है जो मजगत जननी के गोद में जाकर बैठ गया। उठाया वज्र शंकर जी ने स्थिर कर दिया, देवताओं ने आक्रमण करा, शिव ने स्थिर कर दिया। हिमालय राज जान गए कि यह साधारण नहीं है, ये वो घड़दानी है जिसको पार्वती जी की माँ बूढ़ा कह रही थी। अरे पार्वती की मैया मैनावती, शिव कभी बूढ़े होते ही नहीं है, वो तो अजर और अमर है। अजर और अमर, वो बूढ़ा नहीं होता, अजर अमर है। जैसा व्यक्ति आता है, जो जिस भाव से आता है, शिव वैसा मिल जाता है, शंकर वैसा। शिव को पाने का श्रेष्ठ बिंदु है आपका हृदय। तो भगवान गणेश जी ने कहा जाओ, भगवान शंकर कह रहे गणेश जी बच्चे का रूप रखकर जाओ, जैसे मैं बच्चे का रूप रखकर गया था, पहचानना मुश्किल, जाओ जरा। और भगवान गणेश जी महाराज बच्चे का रूप रखकर गए, बेलपत्र लेकर गए दरवाजे पर, रोका बनिए को। रानती देव बनिए को रोक कर कहा ये बेलपत्र तुम कौन हो? रानती देव ने पूछा। गणेश जी ने कहा मैं नहीं जानता, मुझे तो ये बेलपत्र मेरे पिताजी ने दी थी और कहा था रानती देव बनिया निकले ना तो उसको दे दे। रानती देव बनिया इतना चतुर था, अब बनिया गिरदी चालू कर। रानती देव बनिया ने पकड़ लिया गणेश जी का हाथ, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा जब तेरे बाप से मिलूंगा, अब तो बेलपत्र जब ही चढ़ाऊंगा। गणेश जी को छोड़ा ही नहीं, गणेश जी पूरी काशी में इधर उधर घुमाते रहे रानती देव को, गली 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 गली। एक जगह पर गणेश जी महाराज बैठ गए, आज भी बैठे हैं दरवाजे के पास, एक जगह पर बैठ गए। और बैठकर उन्होंने रानती देव बनिए से कहा देख तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मेरे बाप से मत, मेरे पिता से नहीं, मिले बिगड़ तो नहीं, ये बेलपत्र तभी चढ़ाऊंगा जब तेरा पिताजी मिलेगा। ये बेलपत्र भेजे किसने पता नहीं। चल चल बैठ गए रानती देव उसके पास में बैठ गए, हाथ पकड़े रानती देव बनिया, गणेश जी हिलते नहीं, मेरे पिताजी से नहीं मिला क्योंकि पिताजी ने कहा था बस बेलपत्र दे देना और आ जाना, भाग कर आ जाना, हमें क्या मालूम था कि तुम एक बार पकड़ लेते हो फिर जानने नींद देते हो। आज भी बनियों की रीति है महाराज जी, एक बार ग्राहक आ जाता है ये इतनी मीठी वाणी से पकड़ते हैं कि दूसरी बार की जाने नहीं देते, आज भी देती है, ये अपना ग्राहक है। चले कैसे गया? भगवान रानती देव बनिए के हाथ गणेश जी महाराज का पकड़े, गणेश जी महाराज के मेरे पिता से नहीं। अब भगवान शंकर को चिंता लगी आखिर ये गए कहां, उन्होंने तुरंत उसी समय पर नंदी को बुलाया, नंदी जाओ जरा पता करो गणेश जी कहां गए। नंदी घूमते फिरते पूरे काशी में भ्रमण करते फिरते तुरंत गणेश जी महाराज जहाँ बैठे थे बनिया हाथ पकड़कर बैठा था वहीं पर पहुंच गए। और जो नंदी ने देखा गणेश जी ने इशारे में कह दिया मुझे पकड़ा तेरे को भी पकड़ ले गए, इसका भरोसा नहीं। देव अधिदेव महादेव शिव रानती देव बनिया ने भगवान गणेश जी का हाथ पकड़ लिया, छूटता नहीं। नंदी ने जाकर सूचना दे दी देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ जी के चरणों में, बाबा गणेश जी नहीं आने वाले। क्यों? रानती देव बनिया ने पकड़ कर रखा है कि बेलपत्र देने वाला कौन है, कौन ने दे? स्वयं शंकर भगवान रानती देव बनिया के सामने जाकर प्रकट होकर कहते हैं ये बेलपत्र भी भेजने वाला मैं हूँ, संसार में तुझे भेजने वाला भी मैं हूँ, मेरे शिवालय तक बुलाने वाला भी मैं हूँ और भरण पोषण करने वाला विश्वनाथ भी मैं। स्वयं दुनिया भटकती है मुझे ढूंढने के लिए, पर रानती देव बनिया तूने दिल से मुझे पुकारा, मैं दिल से मिला। और किस बल पर मिले? भगवान शंकर केवल एक लोटे जल के बल पर, कोई दिखावा नहीं। शंकर जी ने कहा तू दिखावे से दूर हो गया, तू मेरा हो गया।
भगवान शंकर को छल पसंद नहीं है, भगवान शंकर को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान शंकर चाहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे करीब में आओ, मेरे पास। मुर्दे को जलाने के लिए जाते हो तो क्या बहुत सारा सज धज के जाते हो? शमशान जाते समय जैसे हो वैसे ही चले जाते हो, उसी तरह शंकर के पास जैसे हो वैसे जाओ, शिव तुम्हें अपने आनंद में मिलेगा, और जब वो मिलेगा तो दुनिया का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। शिव तत्व दुख ही ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, सृष्टि का रचना करता कौन है? भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने एक पर्वत की घर्षणा करते हुए उसको भ्रमण करा, उसमें से एक लिंग उत्पन्न हुआ, वही शिवलिंग प्रथम माना गया, और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। भगवान नारायण पाताल में गए और आकर कह दिया कि शंकर भगवान का चरण प्राप्त करना कठिन है, शिव का चरण मैंने नहीं देखा, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण हो गया। पर ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे, केतकी के पुष्प से झूठ बुलवा लिया, गौ माता से झूठ बुलवा लिया, तब ब्रह्मा जी का सिर कटा, काल भैरव प्रकट हुए, काल भैरव ने अपने अंगुष्ठ नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। काल पूछा काल भैरव ने, आपने मुझे प्रकट कराया, मैं कहां जाऊं, किस भूमि पर जाऊं, कहां रहूं? कह दिया काल भैरव, काशी की पवित्र भूमि पर, वहां तू विराजमान रहेगा। संसार का कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में कहीं पर भी रहकर कोई भी कर्म करता है, काल भैरव क्षेत्र में रहकर निर्णय देते हैं कि इसको कहां भेजना है और क्या करना है। दुनिया के लोगों को लगता है कि काल भैरव केवल उज्जैनी में है, दुनिया के लोगों को लगता है काल भैरव केवल काशी में है, दुनिया के लोगों को लगता है केवल विश्वनाथ की धरा पर, नहीं, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी हो, शंकर को अगर भज रहे हो, शिव को अगर मान रहे हो, तो मेरे भगवान काल भैरव आपके दुख को काटने के लिए शिव की आज्ञा लेकर आपके सम्मुख में खड़े रहे। बोल काल भैरव भगवान की जय। भगवान अर्धनारेश्वर स्वरूप धारण कर ब्रह्मा विष्णु के साक्षी में सुंदर सृष्टि का निराकरण करते हैं। भगवान अर्धनारेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन बड़े भाव से करिए। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम ले रहा है, कल कथा का तृतीय दिवस रहेगा, तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे।